खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह में रविवार को ईसाई मिशनरी पर लगे धर्मांतरण के आरोपों और राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर का मामला धूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को इस मुकदमे के खिलाफ ईसाई मिशनरी से जुड़े सैकड़ों लोगों ने दमोह के एसपी ऑफिस में पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। मिशनरी की आधारशिला संस्थान के प्रमुख डॉक्टर अजय लाल के पक्ष में पहुंचे मसीही समाज और आधारशिला संस्थान के सहकर्मियों के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आरोपियों में एक नाम डॉक्टर अजय लाल का है, जबकि डॉक्टर अजय लाल का आरोपित संस्था से वर्तमान में कोई लेना देना नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिस संस्था मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है उस संस्था से आरोपी बनाए गए डॉक्टर अजय लाल 2 साल पहले इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके दस्तावेज भी ज्ञापन के साथ सौंपे गए हैं। इस मामले में दमोह एसपी डीआर तेनीवार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। दिया गया है, जबकि वास्तव में वो उस संस्था से किसी भी रूप में वर्तमान में संबद्ध नहीं है। हमारा आपसे सिर्फ ये निवेदन है कि उपयुक्त जांच करा के डॉक्टर अजय लाल का उस प्राथमिकी में से नाम जो है वो अलग करा किया जाए, ताकि एक गलत सूचना के आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है वो उसमें से उनका नाम हटने के द्वारा उनको राहत मिले। हमारे सर सारे स्टाफ की तरफ से निवेदन है आपके कि बिल्कुल थोड़ा सा जल्द से जल्द कदम उठा दिया। देखिए, जो प्राथमिकी हुई है राय के और जिस एक्ट, ठीक है, थैंक यू। पर हम लोग आधारशिला संस्थान के विभिन्न जो आयाम हैं उसके विभिन्न विभागों के जो सहकर्मी हैं वो यहाँ पर आए हैं, और हम लोग यहाँ पर इस वजह से आए हैं क्योंकि कल एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है स्थानीय दमोह थाना जो देहात क्षेत्र है वहाँ पर, और उसमें प्राथमिकी में डॉक्टर अजय लाल जी का नाम जोड़ा गया है, जो कि पुरानी सूची के आधार पर जोड़ा गया है उस प्राथमिकी में, और उनके खिलाफ भी एफआईआर जो दर्ज कराई गई है। तो हम लोग सारे सहकर्मी यहां पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास इसलिए आए थे निवेदन करने, अपना ज्ञापन सौंपने कि उस प्राथमिकी में से जो गलत तरीके से नाम जोड़कर जानबूझकर डॉक्टर जलाल जी का नाम जोड़ा गया है, जबकि उस सारे प्रकरण से उनका कोई भी प्रकार का लेना देना नहीं है, वो नाम उनका हटाया जाए। हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को जब हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि समुचित उचित जांच करते हुए निष्पक्ष तरीके से यदि किसी भी प्रकार की कोई विसंगति होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। हम लोग इसी कारण से यहाँ पर आज कार्यालय, मतलब जो 10 लोगों की समिति में उनको शामिल किया गया है वो अभी वर्तमान में नहीं है, वो वर्तमान में नहीं है 10 लोगों की समिति। उस समिति में से डॉक्टर अजय लाल जी आज से लगभग 2 साल पहले ही अपना त्याग पत्र दे चुके हैं। फिर भी कल दमोदिया थाने में आधारशिला संस्थान के व्यक्तियों के विरुद्ध जो है नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी। इस संबंध में आधारशिला संस्थान के जो सभी लोगों के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है, उनका कहना है कि इसमें जो है गलत नाम आए हैं। इस संबंध हमारा कहना है कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान में आई साक्ष्य के आधार पर ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज़।